हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद कॉन्सेप्ट्स की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के एग्जांपल्स। इससे पहले की क्लास में हम कर चुके हैं कि एक्सरसाइज 13.3 के कॉन्सेप्ट तक, और एक्सरसाइज 13.3 में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है मीडियन। मीडियन क्या होता है और मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब और टाइम वेस्ट किए बिना अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में क्या है कि ए सर्वे ऑफ हाइट ऑफ 51 गर्ल्स की डाटा दिया हुआ है, और वो डाटा बेस है कि 51 गर्ल्स की हाइट का डाटा है। अब 51 इसका मतलब है कि एन की वैल्यू क्या है, 51 है, और डाटा क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो ये डाटा दिया हुआ, हाइट इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इसमें सबसे पहले हमें निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्री। तो एग्जांपल नंबर 7 में हमें क्या डाटा दिया हुआ, हाइट इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी एन की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 51। तो आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से हमें पहले क्या निकालनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि ये क्या है, ये है गर्ल्स। तो ये क्या दी हुई है ऑलरेडी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हमें क्या निकालना है, अब निकालनी है हमें फ्रीक्वेंसी क्या, कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमें, तो ये हमें जो डाटा दिया हुआ है हाइट इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ गर्ल्स, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि ये लेस देन 140 है 4 का, लेस देन 145 है 11 गर्ल्स का। लेस देन 145 यानी 0 to 140 है 4 गर्ल्स की हाइट। अब 0 to 145, अरे यार, कि 0 to 140 है 4 गर्ल्स की हाइट, अब 140 to 145 है 11 गर्ल्स की हाइट। तो इसका मतलब है कि अप टू 145 होगा 11 - 4, यानी 140 से 1, ये क्या है अप टू 145 है 11 गर्ल्स की, और 140 to 145 होगा 11 - 4, 7 गर्ल्स। इसी तरह ये होगा 145 to 150, 29 - 11, 18, और ये होगा 150 to 155, 40 - 29, ये कितना होगा 11। और 150 to 160 कितना होगा, 46 - 40 यानी 6, और 160 to 165 होगा 51 - 46, 5। अब इसका मीडियन निकालने का, तो सबसे पहले हमें देखना है मीडियन निकालने के लिए n की क्या वैल्यू है, 51। तो यानी 51/2 25.5 होगा इसकी मीडियन क्लास। अब 25.5 कहां लाई करेगा, ये लाई करेगा 145 टू 150 में। तो मीडियन क्लास क्या हुई, मीडियन क्लास हुई 145 टू 150। तो लोअर लिमिट की क्या वैल्यू हुई 145, और क्लास साइज यानी कि एच की क्या वैल्यू हुई 150 माइनस 145 यानी कि 5। अब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियन क्लास कौन सी है, 145 टू 150। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 18। अब सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ
प्रीसीडिंग मिडिल क्लास की, जो ये जो मिडिल क्लास है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो क्या है 29, लेकिन इससे पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो होगी 11। अब फार्मूला क्या है मीडियन का, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास की, जो इसकी मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे पहले वाली क्लास मीडियन है, इससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में एफ इंटू में एच। एल लो लिमिट, लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है 145 प्लस एन बाय टू यानी कि 51 बाय टू माइनस सी एफ यानी कि 11 अपॉन में एफ यानी फ्रीक्वेंसी क्या वैल्यू है 18 इंटू में एच क्या है क्लास साइज है 5। अब 145 प्लस 2 51 माइनस 11 इंटू में 2 22 इंटू में 18 और इंटू में 5 तो 145 प्लस 29 अपॉन 36 इंटू में 5 तो ये क्या हुआ 145 प्लस 145 बाय 36 तो 140 तो 145 प्लस 145 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.027 यानी इसको हम मान लेंगे 145 प्लस 4.03 तो इसका मीडियन क्या आया 149.03 सेंटीमीटर। ये क्या है हाइट, मीडियन हाइट ऑफ गर्ल्स 149.03। अब नेक्स्ट इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट एग्जांपल 8th एग्जाम्पल।